नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है और उसका क्यूब रूट निकालने के लिए अगर आपको बोला गया है तो क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान तरीका अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके लिए क्यूब रूट निकालने के लिए आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, जैसे क्यूब ऑफ 1 इज़ 1, क्यूब ऑफ 2 इज़ 8, क्यूब ऑफ 3 इज़ 27। तो ये टेबल अगर आप याद कर लेते हो तो कोई भी नंबर का क्यूब रूट आप आसानी से निकाल पाओगे। अभी हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो, आपको बोला गया है 15625 का क्यूब रूट निकालो। आपको जब क्यूब रूट निकालना होता है तो एक सिंपल तरीका हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ये जो डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं इसको दो ग्रुप में बांटना है। पहले ग्रुप में कंपलसरी 3 डिजिट ही आने चाहिए, बचे हुए सारे डिजिट आप दूसरे नंबर के कॉलम में लिख सकते हो या उसको सेकेंड नंबर के कॉलम में लिख सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको पहले नंबर के कॉलम में जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस का डिजिट आपको देखना है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस में 5 है, तो आपको ये टेबल में देखो, यहाँ पर क्यूब के टेबल में देखो किसका नंबर यूनिट प्लेस पे 5 है, यहाँ पर 5 है देखिए। तो ये 125 के लिए कौन सा नंबर है, 5। तो हम लोग ये फर्स्ट कॉलम में 5 लिखेंगे। ओके, ये फर्स्ट कॉलम का काम हो गया। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में 15 ये नंबर है। अब आपको फिर से ये क्यूब रूट क्यूब के कॉलम में देखना है। यहाँ पर देखिए, आपको कहीं पर 15 नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपको 15 से छोटा नंबर आपको देखना है, वो यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है, 8। तो 8 से रिलेटेड कौन सा नंबर है, 2। तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। हो गया दोस्तों, आपका आंसर रेडी। क्यूब रूट ऑफ 15625 इज 25। देखिए कितना आसान है। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपको बोला गया है 912673 का क्यूब रूट निकालो। अब आपको क्या करना है, ये दिए हुए नंबर को दो ग्रुप में बांटना है। पहले ग्रुप में कंपलसरी 3 डिजिट आने चाहिए, बाकी के बचे हुए सारे डिजिट आप सेकेंड नंबर के कॉलम में लिख सकते हो। अब आपको देखना है यूनिट प्लेस का डिजिट, यहाँ पर 3 है, तो आपको ये टेबल में देखिए 3 कहाँ दिखाई दे रहा है, तो 3 यहाँ 343, इट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 7, है ना, 7 का क्यूब है, 7 का क्यूब 343 है। तो आपको फर्स्ट कॉलम में 7 लिखना है। ये फर्स्ट कॉलम का काम खत्म हो गया। अब आपको देखना है 912, ये नंबर क्यूब के टेबल में कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो है नहीं। 10 का क्यूब अगर आप देखते हो तो वो 1000 है, इट इज़ मोर देन 912। तो आपको 912 का छोटा नंबर, 912 से छोटा नंबर आपको इस टेबल में सेलेक्ट करना है, और वो है 729। 729 का कौन सा नंबर है, 9। तो आप यहाँ पे लिखोगे 9। सी कितना आसान है, क्यूब रूट ऑफ 912673 इज इक्वल्स टू 97। देखिए दोस्तों कितना आसान है। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा ये याद करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये आसानी से काम खत्म होगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट लिखना ना भूले। धन्यवाद।